फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ फ्रेंच फ्राइज, जो कि सबको बहुत पसंद आता है। तो आओ उसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। 2 मीडियम साइज़ के आलू, ऑयल, 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर, नमक, पानी। मैंने ये चम्मच से 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। अब हम आलू कटिंग कर लेंगे। आओ मैं ऐसे कटिंग कर दूँ, फिर मैं इसे इस तरह से कटिंग कर लूँगी और फिर दूसरा भी मैं इसी तरह से कटिंग कर लूँगी। सबसे पहले मैं आलू को बीच में से कटिंग कर लूँगी, फिर उसी तरह से दोनों साइड के भी कटिंग कर लूँगी। उसके बाद में मैं इसको दोनों आलू को एक पे एक रखूँगी और इस तरह से कटिंग कर लूँगी। लेकिन इसको ज़्यादा बारीक या ज़्यादा छोटा नहीं काटना है, इसे मीडियम साइज में ही काटना है। इसी तरह से मैं अपने बचे हुए आलू भी कटिंग कर लूँगी। आप ध्यान से करना, इसे ज़्यादा बारीक ये अच्छे नहीं लगते हैं, इसे मीडियम साइज़ के ही रहने देना। तो मैं इसी तरह से ये जो सारे आलू है मैं कटिंग कर लूँगी बराबर से, और फिर इसी तरह से मैं अपना ये दूसरा आलू भी कटिंग कर लूँगी। फिर मैं एक पैन ले लूँगी, उसमें हम अपने आलू को बॉईल करेंगे। तो मैं गैस ऑन कर लेती हूँ, बिस्मिल्ला। फिर हम इसमें अब पानी ऐड करेंगे, इतना पानी के हमारे आलू इसमें डीप हो जाए। तो हमें आलू को ज़्यादा पकाना नहीं है, बस हमें आलू को जितना कि जैसे कि नरम हो जाए ऐसे बॉईल करना है बस। तो मैं इसी तरह से अपने सारे आलू पानी में ऐड कर लूँगी और 5-10 मिनट के लिए इसे छोड़ दूँगी। पानी में मिक्स कर लेती हूँ। लेकिन फ्रेंड्स आप ध्यान देना कि ये ज़्यादा गले नहीं। अगर ये ज़्यादा गल जाएगा तो हमारे फ्राइज़ हमें अच्छे नहीं लगेंगे, जो क्रंची है वो नहीं बनेंगे। आओ देखते हैं कि हमारे आलू हुए या नहीं। तो मैं उसमें से एक आलू लेकर चेक करूँगी कि हाफ बॉईल हुआ है या नहीं। तो मैं एक आलू ले लूँगी उसमें से एक पीस और मैं देखूँगी कि ये हुआ है या नहीं। तो मैं अभी चेक करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे आलू हो गए हाफ बॉईल। अब मैं इसे फ्लेम ऑफ कर दूँगी और आलू उसमें से मैं निकाल लूँगी सारे। बिस्मिल्ला। इसी तरह से मैं सारे आलू निकाल लूँगी पानी में से और फिर हम इसको ठंडा होने के लिए देंगे। जैसे ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इस पर कोटिंग करेंगे। ये देखिए ये अभी बहुत गर्म है, तो हम इसे अभी ठंडा होने देते हैं 5-10 मिनट बस, फिर ये ठंडा हो जाएगा। उसके बाद में मैं इसमें अभी कोटिंग कर लूँगी। ये जो मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया था वो मैं इसमें अभी मिक्स कर लूँगी। सारा अच्छे से साफ़ करके डालिए फ्रेंड्स, वेस्ट मत कीजिए। तो मैं फिर अच्छे से साफ़ करके सब इसके अंदर डाल दूँगी। फिर इसमें से मैं हल्का सा नमक ऐड करूँगी इसमें, बस एक चुटकी के करीब। ज़्यादा नमक ऐड मत करना, क्योंकि हम जब फ्राई करेंगे उसके बाद में भी हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो बस हल्का सा नमक ऐड करना और इसे अच्छे से इसको मिक्स कर लेना, इस पर कोटिंग कर देना अच्छे से। तो मैंने अच्छे से इसकी कोटिंग कर ली हूँ। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी 10-15 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से कोट हो जाए इसके अंदर। फ्रिज में रखने से फ्रेंड्स अच्छे क्रंची बनते हैं, इसलिए मैं फ्रिज में रखती हूँ। तो मेरे 10-15 मिनट हो चुके हैं, मैंने निकाल ली हूँ फ्रिज से। तो अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी। तो फिर अब मैं मेरा तेल गर्म होने को दूँगी। मेरा तेल गर्म हो चुका है, तो मैं अब थोड़ा सा इसमें डालकर देखूँगी कि मेरा तेल बराबर गरम हुआ है या नहीं। तो आओ मैं चेक करके देखती हूँ। तो फ्रेंड्स मेरा तेल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें सारे फ्राइज मेरे ऐड कर दूँगी और मैं इसको हाफ़ फ्राई करूँगी। हाफ़ फ्राई बाद में करूँगी, क्योंकि इसमें जो क्रंचनेस है वो अच्छे से आता है डबल फ्राई करने से। तो मैं इसको डबल फ्राई करूँगी, पहले हाफ़ फ्राई कर लूँगी फिर इसको ठंडा कर दूँगी, फिर इसके बाद में मैं इसे वापस फ्राई करूँगी।
तो फ्रेंड्स आप भी इस रेसिपी को ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके फ्राइज़ कैसे बने। अगर आप मेरे ही रेसिपी ट्राई करोगे तो आपके फ्राइज़ ज़रूर अच्छे और क्रंची बनेंगे, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। तो आओ देखते हैं हम कि हमारे फ्राइज़ जो है हाफ़ फ्राई हुए हैं या नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे जो फ्राइज़ है वो हाफ़ फ्राई हो गए, तो मैं इसे अभी निकाल लूँगी और मैं अपना फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी। तो मैं ऐसे सारे फ्राइज़ को निकाल लेती हूँ ऐसे ही। हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे इसी तरह से सारे फ्राइज़। तो फ्रेंड्स मैंने अपने सारे फ्राइज़ को निकाल ली हूँ अच्छी तरह से, ध्यान देना कि एक भी छूटे ना अपने तेल में। तो मेरे फ्राइज़ जो है वो ठंडे हो चुके हैं अच्छी तरह से, तो फिर मैं इसे वापस से दोबारा से फ्राई कर लूँगी। ये देखिए मेरा तेल फिर से गर्म हो चुका है, फिर मैं अपने जो फ्राइज़ है इसमें ऐड कर लूँगी फिर से, और फिर हम इसे अच्छी तरह से अब हम इसे फ्राई कर लेंगे, इतना फ्राई कि क्रंची हो जाए। आपको पता चल जाएगा कि ये क्रंची हो चुका है, तो समझ जाना कि हमारे फ्राइज़ जो है वो रेडी हो चुके हैं। ये फ्रेंड्स खाने में सच में बहुत अच्छे लगते हैं, आप इसे भी ज़रूर ट्राई करना। मेरे फ्राइज़ अभी अच्छी तरह से पक रहे हैं, तो अभी हम देखेंगे कि हमारे फ्राइज़ हुए या नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स मेरे फ्राइज़ अच्छे से हो चुके हैं, देखिए ये कितने क्रंची बने हैं, ये सच में बहुत अच्छे लगते हैं दिखने में भी और खाने में भी। मैं निकाल लूँगी सारे फ्राइज़ को। तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगी इसमें, जब हम आलू हमारे बॉयल हो जाएंगे तो जब हम उसे हाफ़ फ्राई करने लगेंगे, तो जब हमारे थोड़े कुछ सेकंड के लिए हमें उसमें चम्मच नहीं चलाना है, उसे थोड़ा सा पकने देना है, उसके बाद में उसमें चम्मच चलाना है। अगर आप पहले ही चम्मच चला दोगे तो हमारे जो फ्राइज़ है वो टूट जाएंगे बीच में से, तो आप इस बात का ध्यान रखना कि पहले ही चम्मच नहीं चलाना, और अगर चलाओ तो ध्यान से चलाना। ये तो मैं इसे अभी सर्व कितने अच्छे हैं प्लेट में, ये देखिए मेरे फ्राइज़ कितने अच्छे बने और ये सच में बहुत क्रंची बने थे। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये बहुत क्रंची और बहुत अच्छे बने थे। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लूँगी, नमक ध्यान से ऐड करना, हमने पहले भी ऐड कर चुके हैं, तो मैं उस हिसाब से इसमें सिर्फ एक चुटकी नमक यूज़ करूँगी फिर से, ये ज़्यादा खारे अच्छे नहीं लगते। और आप चाहो तो इसमें मिर्ची पाउडर मिक्स कर सकते हो, मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा बेटा खाने वाला है ये, इसलिए मैं मिर्ची पाउडर यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो आप इसे मेयोनीज़ के साथ, सॉस के साथ, किसी भी तरह खा सकते हो, जैसा आप चाहो, जैसा आपको पसंद हो आप उसी तरह से इसे खा सकते हो। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो फ्रेंड्स आप भी ट्राई करना इस रेसिपी को और मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कैसी बनी है। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अभी के लिए